फ्रेंड्स, कृष्ण जन्माष्टमी की आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। हम बनाएंगे धनिये की पंजरी और पंचामृत का प्रसाद। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इंडियंस किचन क्वीन को सब्सक्राइब करना ना भूलना। पंजरी बनाने के लिए कोरिएंडर सीड्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स और गुड़ लिए हैं। आप शुगर ऐड करना चाहें तो गुड़ को स्किप करके शुगर ऐड कर दीजिए। ड्राई फ्रूट्स में मखाने इम्पॉर्टेंट होते हैं, बाकी जो भी ड्राई फ्रूट्स आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें रोस्ट करना है, तो गैस ऑन करके हम पैन को गर्म कर लेते हैं। इसमें कोरिएंडर सीड्स को ऐड कर देंगे। कोरिएंडर सीड्स हमें ड्राई रोस्ट ही करना है, इसमें घी वगैरह अभी ऐड नहीं करना है। सीड्स डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे और चमचे की मदद से सीड्स को लगातार चलाते रहेंगे। इसे तब तक भूनते रहना है जब तक बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। धनिया को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। धनिया तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल में सौंठ गुड़ के लड्डू की बहुत ही बढ़िया रेसिपी अपलोड है। आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार फिर उसी गरम पैन को रखते हैं और उसमें 2 चम्मच घी डाल देते हैं। घी गरम हो जाए तब उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए और उन्हें रोस्ट कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, इनको साइड में करते हैं और यहाँ पर मखाने डाल देते हैं। मखाने को भी अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेते हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं किशमिश फूल करके अंगूर बन चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। धनिया भी हमारा ठंडा हो गया है तो मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड कर लेते हैं। धनिया भी बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे ग्राइंड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ग्राइंड हो चुका है। अगर कुछ मोटे दाने हैं तो आप छान सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी तोड़ करके तैयार कर लेंगे। धनिया को हमने छान करके तैयार कर लिया है। गुड़ को भी हाथों से ही तोड़ कर तैयार कर लेते हैं ताकि कोई लम्स या गुठलियाँ वगैरह इसमें ना रहें। गुड़ तैयार कर ले तब ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर ऐड कर दीजिए और 1 या 2 चम्मच यहाँ पर घी डाल सकते हैं। आप गरम करके डालना चाहें तो गरम करके भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को मिलाने के लिए आपको हाथों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्पून से ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं। मिक्स करने के बाद हमने पंजरी को बॉल्स में पलट दिया है। इसका डेकोरेशन अभी बाकी है। हम बनाएंगे पंचामृत। यहाँ पर दही ऐड कर दिए हैं। दही में थोड़ा सा हमने दूध मिक्स कर दिए हैं और मिश्री ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे जो आपको ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा शहद भी डाल देंगे क्योंकि पंचामृत 5 चीज़ों से मिलकर के बनाया जाता है। चम्मच से सभी चीज़ों को मिला देंगे। हम इसे ग्लास में पलट देते हैं और तुलसी दल के साथ भगवान को भोग लगाने के लिए तैयार कर देते हैं। धनिये की पंजरी को भी डेकोरेट करके तैयार कर देते हैं। आप इसे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं या आप भी मखाने से डेकोरेशन कर सकते हैं। हमने पंजरी के प्रसाद को भी तैयार कर लिया है। तुलसी दल यहाँ पर डाल देते हैं और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए तैयार कर देते हैं। प्रसाद में हमने केले को रखा है क्योंकि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कन्हैया जी को भोग लगाने के लिए इस प्रसाद को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मेरे और भी स्पेशल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को क्लिक करना ना भूलिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।